सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद से ही कई तरह की खबरें आ रही थी। कोई ये मानने को तैयार नहीं था कि वो खुदकुशी कर सकते हैं। उनके चाहने वाले सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। बॉलीवुड सितारे से लेकर एक आम आदमी यही सोच रहा था कि काश ये कोई बुरा सपना हो और सपना खत्म होते ही सुशांत सिंह राजपूत फिर से हमारे बीच लौट आए। मैं आपको बता दूं कि कल देर रात सुशांत सिंह राजपूत की बीएमसी से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, जिसमें ये साफ बताया गया था कि सुशांत सिंह राजपूत के शरीर पे कोई भी जोर जबरदस्ती के मार्क्स नहीं मिले हैं। इस रिपोर्ट से ये साफ हो गया कि चोट उनके शरीर पे नहीं, उनके दिल पर लगी थी, जिसको वो झेल नहीं पाए और वो सुसाइड करने पर मजबूर हो गए। मैं आपको बता दूँ कि सुसाइड करने से पहले सुशांत सिंह राजपूत ने किसी एक्टर को फ़ोन मिलाया था, पर दुर्भाग्यवश वो एक्टर उस समय फ़ोन नहीं उठा सका। फिल्म मेकर महेश भट्ट ने कहा कि मुझे लग रहा था कुछ ऐसा होने वाला है। बीएमसी के बाद उनके बॉडी को जेजे हॉस्पिटल भेजा गया है, जहां से कुछ और बातें सामने आ सकती हैं।